आज है फेसबुक सीरीज का पहला दिन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि 90% लोग को यही नहीं पता है कैसे फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ इसकी जब आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप फेसबुक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं। इस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और या फिर आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड हो तो वो लगता है। उसको लगने के बाद आपका जो प्रोफाइल होती है वो वेरीफाइड हो जाती है। इसके वेरीफाइड होने से क्या होता है कि या तो आपका अकाउंट वो जल्दी हैक्ड नहीं होगा और कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, और इसमें जो ऑथेंटिकेटर होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी जो फेसबुक आईडी है वो काफ़ी स्ट्रांग और सिक्योरिटी उसमें लग जाएगी, जिससे कि आपकी फेसबुक आईडी कभी हैक नहीं हो सकती है। दूसरा इसमें बेनिफिट क्या है कि कभी भी आप इन फ्यूचर का आप फेसबुक ऐड चलाते हैं तो इसमें काफ़ी मदद करता है आप, क्योंकि कभी भी आप अगर फेसबुक ऐड चलाने जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर, तो उसमें क्या होता है इंस्टेंट वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये होते हैं कि हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है वो वेरीफाइड नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है facebook.com। तो हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें बनाना है अपने नाम से, तो मैं अपना यहाँ नाम और सरनेम लिख देता हूँ। और हमें किस नंबर बनानी है, तो ये है मेरा नंबर, मैं इस नंबर बनाना चाहता हूँ। पासवर्ड क्या मैं लेना चाहता हूँ, मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। और सारा फिलअप करने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। आप जैसे साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, फिर आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नो क्रिएट न्यू अकाउंट, तो ओटीपी हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फेसबुक अकाउंट होगा वो टोटली क्रिएट हो चुका होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमें अपने नाम पे क्लिक करना है। आप जैसे नाम पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि आपका यहाँ पर नेम आ गया है, पूरा आपका प्रोफाइल आ गया है, तो उसको भी हम फिलअप करेंगे। तो जैसे कि यहाँ नाम देख रहे हैं आप, हमारा नाम लिख कर, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल लगाना है। प्रोफाइल लगाने के लिए हमें यहाँ कैमरे पर क्लिक करना है। जैसे आप कैमरे पर क्लिक करेंगे, अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा, फिर अपलोड फोटो पर जाकर आपकी जो भी फोटोज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैं अपनी फोटो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ सही तरीके से, और यहाँ सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल पर हमारी फोटो लग चुकी है। उसके बाद आता है कवर फोटो, तो कवर फोटो पर भी मैं सेम यही फोटो लगाना चाहूंगा, तो मैं यही सेम फोटो कवर फोटो पर भी लगा दूंगा। तो देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ आ चुकी है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेव चेंजेस, तो यहाँ मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारी कवर फोटो भी हो जाएगी। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी सारा पोस्ट का, अबाउट का और फ्रेंड्स फोटोज वीडियोस है ना, इन सब का ऑप्शन आ रहा है। तो हम पहले हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम अपनी फोटोज और अपना कवर फोटो हम लगा चुके हैं। तो हम ऐड डिटेल्स पे जाएंगे, तो सबसे पहले हमें अपनी सिटी डालनी है। तो हमारी सिटी है लखनऊ, तो मैं यहाँ अपनी लखनऊ सिटी डाल देता हूँ। फिर उसके बाद इसको सेव कर देंगे। फिर सेव करने के बाद करंट सिटी भी हमारी यही है लखनऊ, तो हम इसको भी सिलेक्ट करके और यहाँ सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। आप अबाउट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, आप कोई भी डिटेल्स आ सकते हैं। ओवरव्यू में आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है, करंट सिटी क्या है ना। तो करंट सिटी हमारी लखनऊ है, तो सेव है। होम टाउन भी हमारा लखनऊ, ये भी सेव है ना। आप स्कूल डालना चाहें स्कूल भी डाल सकते हैं, है ना। वर्क एंड एजुकेशन क्या है, आप वर्क एजुकेशन में कुछ भी डाल सकते हैं, जहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है ना। प्लेस लिव, आप कहाँ रहते हैं वो भी डाल सकते हैं। कांटेक्ट, आप अपनी वेबसाइट के बारे में लगाना चाहते हैं वेबसाइट भी लगा सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है टेक सॉफ्टोनिक्स, तो यहाँ मैं अपना वेबसाइट का नाम डालूंगा। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट का हम यहाँ पर नाम डाल के उसको सेव कर देंगे। ठीक, फैमिली में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, डिटेल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी बस।
बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जानना है अपने प्रोफाइल पे। जब यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखेंगे कि हमारी यहाँ प्रोफाइल लग चुकी है। प्रोफाइल लगने के बाद हमको करना है अपना करना है हमें फेसबुक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमें जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। फिर हम दोबारा सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड सिक्योरिटी, ऐड प्रेफरेंस। तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स पे जाएंगे। फिर जैसे हम पर्सनल डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स पर दोबारा से हम क्लिक करेंगे और फिर देखते हैं यहाँ ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन का। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी कन्फर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर स्विच हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप गेट स्टार्टर पर क्लिक कर दीजिए। आपको ऐड चलाने हैं, है ना। अगर आपको ऐड चलाने हैं तो उसके उसके लिए आप अपना ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कौन सी है, कंट्री हमारी इंडिया है, तो हम इंडिया डाल देते हैं। फिर उसके बाद गेट स्टार्टर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको यस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे यस कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऑथेंटिकेटर ऐप। तो अपने फ़ोन में या फिर आपका कोई iOS यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आती है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि उस ऐप का लोगो कैसा आता है, या फिर मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जब आप ऐप उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिए। मैं अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पासवर्ड डाल चुके हैं। उसके बाद अपने आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे जाइए, स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए राइट साइड पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा प्लस का। आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोड स्कैन करना है। आप जैसे स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑप्शन आ रहा है कन्फर्मेशन कोड का। तो ये कन्फर्मेशन कोड जो है आपके जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है उसी में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं आपकी फेसबुक आईडी का नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है, उसके नीचे देखिए आपको एक कोड लिख के आ रहा है 6 अंक का। उसके सामने देखिए टाइमिंग चल रही है, तो उस टाइमिंग के अंडर में ही आपको कोड डालना है, क्योंकि ये हर 60 सेकेंड में कोड बदलता रहता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे कोड आ रहा है 271027। ठीक है, आपको वही कोड यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका लग चुका है। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा कि आपकी लोकेशन क्या है। तो मैं यहाँ लोकेशन डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर वही एड्रेस डालना है जो एड्रेस आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे हो। अगर आप कोई अदर एड्रेस डालते हैं तो ये यहाँ पर फेच नहीं करेगा, और इससे आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो आप ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ मैं आप डाल देता हूँ। आपको जो भी डिटेल्स है उसको फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ब्राउज यहाँ पर आपको क्या इसमें देखिए, आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाउ डू यू वांट टू अपलोड योर आईडी। ठीक है, तो आपको आईडी जो है, या तो आप अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप ब्राउज फोटोज़ पे जाइए, या फिर आपने अगर आप मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो आपको यूज़ मोबाइल ऐप पे क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी कंप्यूटर पे खोल रखा है इसलिए मैं ब्राउज फोटोज़ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं कि आप किससे अपने जो फेसबुक आईडी उसको वेरीफाइड करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू, या फिर वोटर आईडी के थ्रू। तो मेरे पास अभी पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड के थ्रू उसको वेरीफाई करना चाहूँगा, और पैन कार्ड पर मैं क्लिक करके उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। अब जैसे क्लिक करेंगे अपलोड पर आपको यहाँ आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, और मैं यहाँ पर अपनी आईडी सिलेक्ट करके यहाँ मैं डाल देता हूँ। और हाँ, इसका जो भी आपका फोटो साइज होगा वो 1500 से लेकर 1000 पिक्सल होना चाहिए। तो उसके लिए आप कैनवा से या फिर किसी भी ऐप से आप इस साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कर रखा है तो मैं कर लेता हूँ। फिर जैसे यहाँ अपना पैन कार्ड की आप फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा वोटर आईडी पैन कार्ड नंबर। तो हमें अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी हमारे पैन कार्ड के नंबर शो करता है। तो अपना पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन आएगा कंफर्म योर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कंफर्मेशन इज प्रोग्रेस। ये 48 घंटे के अंदर कभी भी आपका ये हो सकता है। तो यहाँ पर आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो
तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको वेरीफाइड करेंगे और 48 घंटे के अंदर ये हमें कन्फर्मेशन दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कैसे अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपको मैंने बताया है कैसे अपना फेसबुक आइडेंटी वेरिफिकेशन करना है। तो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेसबुक ऐड क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक ऐड कैसे चला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।